हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS लेक्चर 16। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था विजिबिलिटी के बारे में, डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले इनलाइन के बारे में, डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम विड्थ और पोजीशन के कुछ टॉपिक्स, यानी कि पोजीशन पार्ट वन। मैक्स विड्थ तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम इसको जल्दी ही सीख लेंगे। और लेकिन जो पोजीशन है, मैक्स विड्थ के भी अपने यूज़ हैं, और पोजीशन जो है इतनी इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है CSS की। एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, स्टिकी और एब्सोल्यूट, तो ये सब जो पोजीशंस हैं, मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है CSS का। और इसके हेल्प से हम काफ़ी अच्छी तरह से अलाइन कर पाते हैं कि हम किस div टैग को कहाँ पे रखना चाहते हैं, हम उसको कितनी मार्जिन देना चाहते हैं, कितना टॉप से क्या डिस्टेंस रहना चाहिए, लेफ्ट से क्या डिस्टेंस रहना चाहिए, बॉटम से क्या डिस्टेंस रहना चाहिए, और इसके अंदर को कंटेंट्स को हम कैसे असाइन कर पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको केवल पोजीशन की ही अच्छी नॉलेज हो, तो आप एक अच्छी इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि CSS इनलाइन ब्लॉक कैसे काम करते हैं, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैक्स विड्थ के बारे में, स्मॉल टॉपिक है ये, बट फिर भी हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं अपना बेसिक सिंटेक्स सर्वर की तरह डिज़ाइन कर देता हूँ। ऑलराइट, तो सपोज मैं पहला जो सिंटेक्स हमने यूज़ करता हूँ div क्लास इक्वल, सपोज मैं एग्जांपल, सपोज मैं p1 लेता हूँ, ठीक है, p1, और div नहीं है ये, div है, डोंट बी मिसअंडरस्टूड। और इसे मैं सपोज मैं लिखता हूँ कि दिस इज एग्जाम्पल वन ऑफ मैक्स विड्थ, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और मैं जो दूसरा लिखता हूँ क्लास इक्वल p2, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मैक्स विड्थ एग्जाम्पल 2, ओके मैक्स विड्थ। परफेक्ट, मैं बीच में br दे देता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं इसके CSS पार्ट की ओर, तो हेड में चलते हैं। हेड में क्या आता है, स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल में मैं सबसे पहले div, मैंने बताया था div एलिमेंट है, तो हम इसको डॉट नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम div के बाद क्लास की वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम डॉट p1 करके उसको आसानी से, मतलब कि div की वो div की हम बात कर रहे हैं जिसमें p1 क्लास की वैल्यू है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, div.p1 हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो हम चाहते हैं सपोज इसका विड्थ रहे 400 pixels, और मार्जिन चलिए ऑटो दे देते हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग रहेगा वो मार्जिन ले लेगा। और बॉर्डर में शॉर्टहैंड का प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। अगर आपको एक बार अच्छी नॉलेज हो जाए, तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे। इसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है, और ये हो गया सेव lect16.html।
तो चलिए अब इसको देखते हैं। हमने सेव कर दिया फाइल को, ठीक है, लेक्चर नंबर 16। तो ये रहा लेक्चर नंबर 16, इसको ओपन करते हैं। तो मैंने पहले में तो बॉर्डर दिया बट दूसरे में नहीं दिया, मैं दूसरे में भी इसको बॉर्डर दे देता हूँ, div.p2, ओके, विथ सपोज कुछ भी दे देते हैं 500 pixels, और मार्जिन ऑटो कर देते हैं। थ्री पिक्सल्स सॉलिड और गोल्ड मेरे पिंक कर देते हैं। अब देखिए, तो ये पहला वाला DIV टैग है, दूसरा वाला DIV टैग। तो हमने देखा कि इसमें जो हमने मैक्सिमम वेट दिया 500 पिक्सल्स है, दूसरे वाले में और पहले वाले में हमने दिया था 400 पिक्सल्स। तो ये मैक्स वेट था हम इस तरह से असाइन कर पाते हैं, यानी कि अगर हम चाहें इसमें जितना भी लिखें, सपोज़ मैं इसमें और भी आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। पहला 400 पिक्सल्स है ना, तो अब देखिए, मान लीजिए मैंने इतना लिख दिया, ठीक है, अब देखिएगा इसको। तो इसने क्या किया कि ये मैक्सिमम विड्थ अपनी नहीं क्रॉस करेगा अभी। अब मैं चाहे इसमें जो भी लिखते जाऊँ वो अगले स्टेटमेंट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम विड्थ के यूज़ हैं, वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं पोजीशन के बारे में। तो अब देखिएगा पोजीशन क्या है। पोजीशन चार तरह की होती हैं पोजीशन, इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसी में बताता हूँ आपको। पोजीशन पोजीशन जो पहली होती है, पोजीशन आर ऑफ 5 टाइप्स, जो कि होती हैं स्टैटिक, पहले स्टैटिक और फिर उसके बाद रिलेटिव, देन फिक्स्ड एंड देन एब्सोल्यूट, देन स्टिकी, ठीक है। तो ये 5 तरह की पोजीशंस हो गई। पोजीशंस इनमें इनसे क्या यूज़ है, अब हम इनके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए, जो पहली पोजीशन होती है स्टैटिक, ये बिल्कुल नॉर्मल और जो कि एक तरह से डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक ही होती है। तो हम आपको स्टैटिक का यूज़ बताएंगे कि स्टैटिक कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे जो DIV टैग यूज़ किया हूँ, मैं इसमें इसी में पोजीशन दे क्लास दे देता हूँ स्टैट, ठीक है। और ये जो वैल्यू है CSS की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक, और पोजीशन में दे देता हूँ इसको स्टैटिक। अब स्टैटिक का मेन यूज़ तब पड़ता है ना, जैसे कि हम बाकी को किसी को रिलेटिव कर दें, किसी को एब्सोल्यूट कर दें, अब उनमें से किसी को हमें बचा के स्टैटिक रखना हो तो हमें स्टैटिक पोजीशन जो है कि असाइन करना पड़ जाता है। तो इसको मैं सेव करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ मैक्स विड्थ। अच्छा, ये भी साथ में आ गया इसके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है कि दिस एग्जांपल ऑफ मैक्स विड्थ। तो ये हो गया स्टैटिक पोजीशन। अब जो अगला पोजीशन आता है वो होता है रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है कि वो उसके अपने किसी एक पर्टिकुलर DIV टैग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। सपोज मैं पहला एलिमेंट लिखता हूँ प्री टैग, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ p, ठीक है,
an element with position relative, ठीक है, इस पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी कि अपने नॉर्मल पोजीशन के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है। अब देखिएगा इसके बाद div टैग में इसको देता हूँ, क्लास में कुछ भी डाल सकता हूँ, सपोज़ मैं rel कर देता हूँ और लिख देता हूँ मैं दिस, ये जो div एलिमेंट है इसको हम रिलेटिव पोजीशन देंगे, हैज रिलेटिव पोजीशन। और ये हो गया क्लोज। चलिए तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं rel और यहाँ पे मैं रिलेटिव, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इससे कुछ काम नहीं आएगा। तो आपने देखा कि ये इसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया। सपोज़ अगर मैं इसको यहाँ पर रिलेटिव नहीं देता तब ये क्या होता, आप फ़र्क देखिएगा। अगर मैं इसको स्टैटिक कर देता तो क्या होता, और अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता जैसे कि आई एम वेब, आई एम वेब डेवलप, तो ये आप देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग अपने आप को इसने डिस्टेंस बना ली, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। मैं इसका बॉर्डर हटा के दिखाता हूँ आपको, मार्जिन हो गया। सपोज़ ये मैं लेफ़्ट देता हूँ इसको 30 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखिए अब ये अपने 30 पिक्सल्स अपने अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लिया इसने। इसका मैं बॉर्डर देता हूँ, एक बार मैंने बॉर्डर हटा दिया तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 पिक्सल्स सॉलिड और कलर होगा ग्रीन, ठीक है। अब ये ग्रीन हो गया और यहाँ पे मैं स्टैटिक लिखा हुआ था, इसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ, तो ये डिफरेंस रहेगा रिलेटिव और स्टैटिक के बीच। तो ये क्या हुआ कि इसने अपने अकॉर्डिंग उसको 30 पिक्सल्स यहाँ से लेफ्ट में असाइन हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ अंतर है स्टैटिक और रिलेटिव के बीच में। स्टैटिक में क्या हुआ था कि वो पोजीशन उसी जगह पे रहा, वो मूव नहीं किया, जैसे कि सपोज़ मैंने लेफ़्ट 30 पिक्सल्स दिया हुआ था तब भी वो मूव नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ पे स्टैटिक लगा देता हूँ तो ये मूव नहीं करता है, लेकिन ये रिलेटिव में मूव कर जाता है। रिलेटिव में ये अपने अकॉर्डिंग इसको 30 पिक्सल्स का यहाँ पे मार्जिन दे देता है। तो ये कुछ डिफरेंस था। और पोजीशन के बारे में जो और भी चीज़ें हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।